प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान आज सिडनी में कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। आज व्यापारियों से भी करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया में आज भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सिडनी के ओलंपिक पार्क में होगा संबोधन। सिडनी में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। देश नहीं विदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी का आडंका। फिजी और पलाऊ ने दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन। आज बैठकों के 3 सेशन होंगे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में जम्मू कश्मीर फिल्म टूरिज्म पर होगी चर्चा। राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि अपने फिल्म टूरिज्म पॉलिसी की देंगे जानकारी। G20 बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान आज करेंगे श्रीनगर के दर्शन। श्रीनगर में है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। G20 प्रतिनिधियों ने श्रीनगर के डल झील में की शिकारा की सवारी। शानदार दिखा नजारा। आज से 2000 के नोट बैंकों में जमा किए जाएंगे। लोग बैंकों में 10,000 नोट चेंज कर सकेंगे। बाकी नोट भी खाते में किए जा सकते हैं जमा। RBI ने 19 मई को 2000 के नोट बंद करने का किया था ऐलान। 30 सितम्बर तक बैंकों में नोट जमा करने या बदलने की होगी सुविधा। 2000 के नोट पर RBI गवर्नर का बयान। नोट बदलने के लिए भीड़ ना लगाएं, लोगों के पास 4 महीने का समय। 2000 के नोट को लेकर बोले पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र। पीएम मोदी 2000 के नोट जारी करने के पक्ष में नहीं थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। कोलकाता में शाम 3 से 4 बजे के बीच होगी मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं केजरीवाल। 24 मई को उद्धव ठाकरे और 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के कोलकाता आने को लेकर सुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन हुआ है जिसके अध्यक्ष ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर कांग्रेस केजरीवाल के साथ सूत्रों के मुताबिक संसद में अध्यादेश का विरोध करेगी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की होगी महारैली। 11 जून को रामलीला मैदान में लोगों से एकजुट होने की अपील करेंगे। एंटी मोदी मोर्चा बनाने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से मिले। विपक्षी एकता को लेकर हुई चर्चा। नीतीश से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। लिखा अब एकजुट होगा देश। लोकतंत्र की मजबूती हमारा संदेश। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा विपक्षी दलों की जल्द होगी बैठक। 1 से 2 दिन में बैठक की तारीख और जगह का ऐलान किया जाएगा। शरद पवार बोले मैं पीएम पद की रेस में नहीं विपक्ष को साथ लाने की कर रहा हूं कोशिश। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज। कहा अगर वो वायनाड में रहे तो वही होगा जो अमेठी में हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 1 महीना हुआ पूरा। आज इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालेंगे पहलवान। पहलवानों ने ब्रिजभूषण के नार्को टेस्ट की चुनौती को कबूला। बजरंग पूनिया बोले हम तैयार लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो नार्को। पहलवान विनेश फोगाट की मांग नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल जवाब पूरा देश सुने। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट। 2 दिन तक सुनाएंगे श्रीमद भागवत कथा। आसिम खान के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में आज सुनवाई। इस दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं अब्दुल्ला। महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष जयंत पाटिल से ED ने की पूछताछ। ILFSL से जुड़े हुए एक मामले में किए गए सवाल जवाब। जयंत पाटिल के समर्थन में उतरे आदित्य ठाकरे। कहा सरकार के खिलाफ बोलने वालों को डराने की कर रही है कोशिश। मुंबई में जयंत पाटिल के समर्थन में NCP का प्रदर्शन। ED दफ्तर के बाहर जताया विरोध। राम मंदिर का पहला चरण 1 दिसंबर तक होगा पूरा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान। अमृतसर में BSF जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को किया बरामद। 2.5 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन भी बरामद हुई। नोएडा में चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा के संबलपुर में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। धू कर उठी लपटे। दिल्ली के पुटखोर्द इलाके में प्लास्टिक कचरे के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। तेलंगाना के महबूबाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक। 14 लोगों पर हमला किया घायल किया। प्रचंड गर्मी झेल रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर। 23 से 25 मई के बीच देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अनुमान। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। नजफगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सड़कों पर जमी बर्फ। BRO के कर्मचारी बर्फ हटाने में जुटे। डॉलर कंपनी के संस्थापक दीनदयाल गुप्ता की बायोग्राफी का विमोचन। बुक का नाम $1 मिलियन ऑफ स्माइल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज NAB के सामने होंगे पेश। अल कादर ट्रस्ट केस में होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 31 मई तक गिरफ्तारी से दी है राहत। पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए तो बढ़ सकती है परेशानी। रूस बॉर्डर पर लोंगरोड क्षेत्र में हमला 8 लोग घायल। रूस ने यूक्रेन पर लगाया घुसपैठ का आरोप। इटली में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ का कहर। लोग घरों में फंसे हुए हैं। बचाव काम में जुटी सेना। थाईलैंड में एक मकान की छत गिरने के कारण 6 लोगों की गई जान। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल।
आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर। चेन्नई चपॉक स्टेडियम में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ में पहुंची, पीएस अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही। चेन्नई सुपर किंग्स 17 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर 8 मैच जीत कर प्लेऑफ में पहुंचे। गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए धोनी ने किए प्रैक्टिस, नेट्स में जमकर बहाया पसीना। आखिरी लीग मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए विराट कोहली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले टीम इंडिया की बड़ी टेंशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।